एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में मुब्तला है, जबकि दूसरी जानिब स्पेन की हुकूमत का बड़ा इकदाम, मुल्क में लॉकडाउन में नरमी कर दी, जिसके बाद लाखों शहरी कामों पर वापस लौट आए हैं। हस्पानवी मीडिया के मुताबिक स्पेन की हुकूमत ने लाखों लोगों को काम पर वापस जाने की इजाजत दे दी है। लॉकडाउन के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों को काम पर लौटने की इजाजत दी गई है। सिर्फ मैड्रिड में 3 लाख के करीब अफराद काम पर वापस लौटे हैं। हस्पानवी मीडिया का ये कहना है कि फैक्ट्री और तामीराती मजदूरों को भी काम पर लौटने की इजाजत दी गई। स्पेन कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, जहां 1,70,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक की जा चुकी है, जबकि हलाकतों की तादाद बढ़कर 17,756 हो चुकी है। हलाकतों की तादाद के लिहाज से भी स्पेन तीसरा बड़ा मुल्क है। स्पेन वो यूरोपीय मुल्क है जहाँ कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले डॉक्टर्स की शरह भी दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। स्पेन की वजारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक तिब्बी शोबे से ताल्लुक रखने वाले 15,000 डॉक्टर्स और नर्सेस कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं।